प्यारे बच्चों, विगत कई दिनों से हम लोग लगभग इस चैप्टर में 5-6 दिनों से द्विघात समीकरण, क्योंकि यह चैप्टर भी हमारा बड़ा है, काफी प्रश्न हैं इसमें, कई तरह के प्रश्न हैं, हमने लगभग संपूर्ण तरह जितने भी तरीके के प्रश्न दिए गए हैं सबके मैं उदाहरण के रूप में प्रश्नों को हल कर दिया हूँ। आज की कक्षा में अंतिम रूप में जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे या परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को एक दो प्रश्न आपको देखूंगा, उन्हें हल करूंगा। आप ध्यान से उस वीडियो को देखिए और उस पर आधारित कुछ हमारे अभ्यास के प्रश्न दिए जाएंगे जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आप उसके आधार पर, एक विगत दिनों हमने एक प्रश्न दिया था, उस पर आधारित अपनी पुरानी पद्धत पर भी उसे लगाने के लिए आपको तरीका दिया, जो एक कविता के रूप में, एक दोहा के रूप में था। इसके अलावा कुछ हमारे इबारती प्रश्न और हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, पीछे कई बार हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं। आइए उनमें से एक नमूना के लिए एक प्रश्न हम और देखें। प्रश्न है, पहला प्रश्न जो आज आपके लिए दिया जा रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। कहता है सवाल, दो वर्गों के क्षेत्रफलों के वर्गों का योग, नहीं क्षेत्रफल, दो वर्गों के क्षेत्रफलों, ध्यान से सुनिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात है, हल करते समय हम देखेंगे कि हमको ज्ञात क्या है, दोनों वर्गों की क्षेत्रफलों का योगफल हमको ज्ञात है, का योग ज्ञात है कितना, 468 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर दिया गया है, तथा उन वर्गों के परिमापों का अंतर, एक तमाको ये चीज दिया गया है, हमको परिमापों का अंतर दिया गया है, वर्गों के परिमापों का अंतर जो है उसका मान है 24 मीटर के रूप में, यही ज्ञात है। पूछा जा रहा है हमको प्राप्त क्या करना है, वर्ग की भुजाएं ज्ञात करनी है हमको, ये हमको प्राप्त करना है। आइए इसे प्राप्त करने के लिए हम माने, पहले वर्ग की भुजा अगर निकालना है तो बराबर मान लेंगे यक्ष मीटर। अगर पहले वर्ग की भुजा यक्ष मीटर हो गई तो पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं वर्ग का परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, यक्ष गुणे 4 यानी 4 यक्ष मीटर हो जाएगा, 4 यक्ष मीटर हो जाएगा हमारे इस वर्ग का परिमाप, पहले वर्ग का परिमाप 4 यक्ष मीटर हो जाएगा। आप प्रश्नानुसार आ जाइए, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार कहता है वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है, दो वर्ग हैं और उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24 मीटर है, तो प्रश्नानुसार दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप अगर हमें ज्ञात करना हो तो परिमाप हो जाएगा 4x माइनस 24 मीटर हो जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप। ध्यान से भी देखना है, अगर दूसरे वर्ग का परिमाप इतना है तो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी भैया, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी 4x माइनस 24 बटा 4। क्यों 4 का भाग देंगे, परिमाप के लिए 4 का गुणा किया था तो भुजा के लिए परिमाप में 4 का भाग दे देंगे,
तो हमारे दूसरे वर्ग की भुजा निकल जाएगी। आइए इसे हम आगे हल करें, 4 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 6 हो जाएगा बटा 4, 4 से 4 कट गया। इस प्रकार दूसरे वर्ग की भुजा हमारी हो गई x ऋण 6 मीटर। पहले वर्ग की भुजा यहां दी गई है x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा हो गई x ऋण 6 मीटर। हम लोग एक सूत्र जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आप सभी को पता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। इसलिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग की भुजा को आपने x माना है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। तथा यहां दूसरे वर्ग का परिमाप अगर निकालना होगा तो वह x माइनस 6 का होल वर्ग हो जाएगा। अब x माइनस 6 का होल वर्ग हो जाएगा, ऊपर आप ध्यान से देख रहे हो, अब हमको प्रथम शर्त के अनुसार निकालनी है या शर्त अनुसार निकालनी है या प्रश्न अनुसार निकालना है। इसलिए क्या होगा, कहता है कि दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योगफल यानी x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू है 468। ध्यान से देखते जाएंगे, इक्वल टू है 468। अब आगे इसे हल करिए, x स्क्वायर प्लस इसे a ऋण b के रूप में हल करिए, a ऋण b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x इक्वल टू 468। पक्षांतर कर लीजिए बादलों, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। डिराइव करिए, 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 432 इक्वल टू 0। बादलों थोड़ा सा लगता है हमें कुछ कॉमन निकाल के इस प्रश्न को छोटा किया जा सकता है, देखते रहेंगे हम लोग प्रश्न को। दो कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। दो कॉमन निकाला, दो यहां जाके पुनः ये शून्य हो जाएगा, फिर हमारा सवाल बचा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। बादलों या द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया, हम इसे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे। आई भी x की पॉजिटिव वैल्यू ही उस वर्ग की भुजा हो जाएगी। आइए हम देखते हैं, x स्क्वायर 18 और 12 का गुणा करेंगे 216 हो जाएगा और 18 में से 12 घटा देंगे 6 हो जाएगा, माइनस 18 माइनस 12 इंटू x माइनस 216 इक्वल टू 0। देन आगे बढ़ते जाइए, x स्क्वायर माइनस 18 x माइनस और माइनस प्लस 12 x हो जाएगा, माइनस 216 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां आ जाइए, ऊपर की ओर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहां से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा प्लस 12 कॉमन निकालेंगे x माइनस 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक पोस्ट में x माइनस 18 और दूसरे में x प्लस 12 बराबर 0। अब इसको आप हल कर लेंगे, यदि x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x बराबर 18, यह मान धनात्मक आ गया, इसलिए यह मान्य होगा। परंतु यदि यहीं पर आपको दिखा दें, यदि x धन 12 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर ऋण 12 हो जाएगा, जो कि मान अग्राह्य होगा, अमान्य होगा, क्योंकि यह वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो पहले वर्ग की भुजा, इसलिए हम कहेंगे पहले वर्ग की भुजा जो हो गई, वर्ग की भुजा बराबर हो गया 18 मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा जो हो जाएगी, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x ऋण 6 हमने निकाला है यहाँ, जो मिट गया आगे, अब बराबर हो गया 18 माइनस 6 बराबर 12 मीटर।
इस प्रकार दोनों वर्गों की भुजाएं जो हो गई वह हमको पता हो गया, पहला का 18 मीटर और दूसरा का 12 मीटर। आप उत्तर की जांच कर सकते हो, इन्हें आप यो वर्ग कर दो, इन्हें वर्ग करके जोड़ दो, आप जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 468 आ जाता है, तो हमारा उत्तर सही है। इस प्रकार से हम लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को इस प्रकार हल करेंगे। हम वीडियो को ध्यान से देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को फिर से टच करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए उस प्रश्न को, फिर मैं आपको इसका फोटो आपको भेज दूंगा, आप प्रश्न को पढ़ लेना, सुन तो लीजिए। एक नाव की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा एक घंटा अधिक लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न कुछ उलझा सा लग रहा है, मैं आपको प्रश्न को अलग भाषा में दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कहता है एक नाव जब शांत जल में जा रही है तो उसकी चाल कितनी आंकी गई है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव की चाल जो दी गई है शांत जल में, कहां शांत जल में, जब पानी बिल्कुल शांत है, शांत जल में, यहां से लिखिए आप, शांत जल में नाव की चाल दी गई है कितना भैया, यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति आवर दी गई है ना, जो सॉरी दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपको मालूम है। फिर नाव जाना कितना है, कुल जाना है उसको 24 किलोमीटर, सपोज करिए कि ए स्थान से जाना है बी बिंदु तक, तो ए 24 किलोमीटर जा रही है और 24 किलोमीटर आ रही है, कहने का मतलब कि धारा का बहाव अगर इधर की ओर है तो पहले ये 24 किलोमीटर इसके प्रतिकूल दिशा में आ रही है और फिर अनुकूल दिशा में उतनी ही दूरी जा रही है। आप जानते हो जब नाव धारा की दिशा में बहेगी तो उसकी चाल इस धारा, नाव की चाल धारा की चाल के साथ जुड़ जाएगी, और जब वह प्रतिकूल दशा में बहेगी तो नाव उसकी चाल आपस में क्या होगी, घट जाएगी। तो इधर आने में, प्रतिकूल आने में उसको समय अधिक लगेगा, अनुकूल जाने में समय कम लगेगा, मतलब जिधर पानी बह रहा है अगर उस दिशा में नाव को ले जाया जाए तो जल्दी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर उल्टी दिशा में हम लाएं तो पानी उसको रोकेगा, नाव को आने से रोकेगा, इसलिए उधर समय ज्यादा लग रहा है। और समय कितना अंतर आ रहा है, जाने की अपेक्षा प्रतिकूल दिशा में जाने में उसको एक घंटे का समय अधिक लगता है। तो कहता है बताओ तब उस जो पानी का बहाव है नदी में, उस नदी में पानी के बहाव की चाल क्या है, तो हम मानेंगे। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हम इंपॉर्टेंट के रूप में दर्ज कर लें। माना धारा की चाल हो गई यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो धारा के अनुकूल, अब आ जाएंगे नीचे, धारा के अनुकूल नाव की चाल बराबर क्या होगी, 18 तो नाव की चाल थी और यक्ष इसकी चाल थी, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगी, 18 प्लस यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल जब बात कहें हम लोग, तो नाव की चाल बराबर हो जाएगा 18 माइनस यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा, इतना मान लिया जाएगा। अब हम लोग चूंकि जानते हैं एक सूत्र होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दोनों में हमको समय की गणना करनी है। क्या
क्योंकि हमको जो समय अधिक और कम लग रहा है उसी को डिफरेंस करके यहाँ सवाल को हल कर रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में लगा, नाव को जाने में, धारा के अनुकूल नाव को जाने में लगा समय बराबर होगा क्या, दूरी कितनी है, कितना जा रहा है, 24 किलोमीटर दूरी है और उसकी चाल कितनी है अनुकूल की दशा में, 18 प्लस यक्स, इतना घंटा, आवर, इतना घंटा। और धारा के प्रतिकूल शब्द की जब बात करेंगे हम लोग, जब प्रतिकूल करेंगे तो ठीक वही हो जाएगा 24 बटा 18 माइनस यक्स आवर, इतना घंटा हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न की बात करता है कि कैसे प्रश्न है भाई, यहां ध्यान से देखिए, यदि यही का आपने बना लिया सही सही तो समाधान द्विघात समीकरण बन जाएगा और हम लोग उसको हल कर लेंगे। तो प्रश्नानुसार कहता है कि धारा के, सवाल कहता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में जो समय लगता है अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे का अधिक समय लगता है, तब हम क्या करेंगे, 24 बटा 18 माइनस यक्स यहां बराबर कर देंगे 24 बटा 18 प्लस यक्स, यहां 1 घंटा अधिक लगता है, यहां 1 घंटा कम लगता है, यहां 1 घंटा कम लग रहा है, हम क्या करें, यहां से या तो इसमें से, यहां 1 घंटा अधिक लग रहा है इसको बराबर करना है, ऐसी दशाओं में हम यहां 1 घंटा जोड़ देंगे तो इसके समय के बराबर ये समय हो जाएगा। अब आ जाइए इन्हें हल करने की ओर, 24 बटा 18 माइनस यक्स माइनस 24 बटा 18 प्लस यक्स बराबर 1, इनको आप लघुत्तम ले लो भैया, 18 माइनस यक्स 18 प्लस यक्स, ऊपर कटाएंगे 24 पोस्ट में 18 प्लस यक्स हो जाएगा, माइनस यहां 24 पोस्ट में 18 माइनस यक्स हो जाएगा और बराबर 1। आइए इधर की ओर हम लगा चुके होंगे, हम इसे मिटाते हैं, ध्यान से देखते रहेंगे हम लोग, ऊपर यहां हल करेंगे आगे की ओर ला करके, 24 और 18 का जब हम गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा 432, 432 प्लस 24 यक्स माइनस फिर 432, 24 का 18 में गुणा किया 432 और प्लस यहां फिर 24 यक्स हो गया, बटा हो गया ए ऋण बी, ये धन भी है, 18 का होल वर्ग माइनस यक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, आ जाइए 432 से 432 कट गया, ऊपर हो गया 48 यक्स बटा 18 रहिए, जब हम करेंगे या इसको यहां तिर्यक गुणा कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 24 × 48 यक्स हो जाएगा और बराबर ये यहां तिर्यक गुणा कर लिया जाए, तिर्यक गुणा कर लेंगे हम लोग तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 18 × 8 कर देंगे तो 418 में 18 का गुणा कर लीजिए, इतना होता है 324, ये हो जाएगा 48 यक्स बटा 324 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 1, क्रिया गुणा करिए 48 यक्स बराबर होगा 324 माइनस यक्स स्क्वायर, पक्षांतर करके ले आ लीजिए इधर, क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 48 यक्स माइनस 324 बराबर 0, ये आपका एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इस द्विघात समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड विधि से हम लोग हल कर जाएंगे, देखते हैं हम लोग यक्स स्क्वायर प्लस 54 और 6 का यदि गुणा करेंगे तो 324 होगा, 54 में 6 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा यहाँ
इनटू यॉक्स माइनस 324 बराबर जीरो। आगे की ओर पढ़ते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 54 यक्स माइनस 6 यक्स माइनस 324 बराबर जीरो। यक्स कामन हो जाएगा, यक्स प्लस 54 हुआ यहाँ, माइनस 6 कामन निकालेंगे, यक्स प्लस 54 हो जाएगा बराबर जीरो। एक पोस्ट में ले जाएंगे, यक्स प्लस 54 होगा, दूसरे पोस्ट में होगा यक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो। ध्यान देंगे हम लोग, यदि हम ले जाए यक्स धन 54 बराबर जीरो तो यक्स बराबर माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं चाल ऋणात्मक नहीं होगी यहाँ, इसलिए यह मान अमान्य हो जाएगा। और यदि यक्स माइनस 6 इक्वल टू जीरो कर लेंगे तो यक्स बराबर 6 ये किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा उत्तर होगा, आंसर हो जाएगी क्या, धारा की चाल बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पत्र की वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस पर आधारित मैं आपको और प्रश्नों को दे रहा हूं। इसी के साथ यह चैप्टर आज समाप्त हो रहा है, कई दिनों से यह चैप्टर चल रहा था, प्रत्येक प्रश्नों को बार बार देखा गया, हल भी किया गया। मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि यह चैप्टर पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप प्रश्नों को टैग करिए, प्रश्नों को भेजिए, मैं इसे हल करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।